पार्टी सुनो शर्मा पर। तो कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बढ़िया होंगे, अपने घर पर होंगे। तो गाइस, जैसा आप लोगों को पता है कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करके चुके हैं, न्यू ईयर आने वाला है। तो न्यू ईयर के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही एकदम मस्त वाला मेकअप लुक जो है वो क्रिएट करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्किन केयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्किन केयर के लिए सबसे पहले जो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है अच्छे से एंड अब करेंगे हम टोनिक। तो टोनिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का वाइट परफेक्ट वाइटनिंग मॉइस्चराइजर टोनिक टोनर, जिसमें मॉइस्चराइजर मतलब ये क्लेम करते हैं कि इसमें मॉइस्चराइजर भी होता है, टोनिंग भी होती है। तो हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं, इसमें स्प्रे नहीं है, इस तरीके से एंड डैब डैब करके अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है। ओके, तो जो मेरा मेरा जो टोनर है वो अच्छे से फेस को एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे स्विस ब्यूटी का सीरम और जो फेशियल ऑयल भी है, तो हम सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे। इसी से हमारा जो फेस है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि आप लोगों को बहुत डिस्क्राइब मतलब बहुत डिटेल में समझाने के लिए, तो मेरी वीडियो अब लेंथी हो जाती है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जो वीडियो है थोड़ी सी छोटी रहे, पर अगर आप अच्छे से बताना होता है मतलब बिल्कुल अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताना होता है तो जो वीडियो है वो लंबी हो ही जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप लोग अच्छे से मतलब सब चीज़ समझ में ना आए तो तब तक वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। तो चलिए यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब होने देते हैं। ओके, तो जो मेरा सीरम है और ऑयल था वो अच्छे से स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज फिल कर लेती हूँ। सबसे पहले आज हम आई मेकअप करेंगे एंड उसके बाद कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड, इस तरीके का। एंड इसको इसे हम कंसील कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा आप देख सकते हैं कंसीलर मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आज टेप, क्योंकि जो हमारा आई मेकअप है वो मतलब स्पेशल होने वाला है, थोड़ा सा कुछ आप लोगों के स्पेशल बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अपना टेप है अच्छे से सेट कर लिया है एंड अब हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो बने रहिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाती रहूँगी। आई होप आपको पसंद आए एंड आई होप आपको क्रिएट करना आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना फ्रीज ब्रश। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो ये ले लेते हैं एंड यहाँ पे सबसे जो लाइटर शेड होता है ब्राउन में, कोई भी लाइटर शेड लेके जो भी आपके ड्रेस में है उसका लाइटर शेड लेके और सी ये यहाँ मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूंगी। उसे थोड़ा सा नीचे हम जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, अब मैं इसको इसी प्लेस पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला आपको दिख रहा होगा ऊपर थोड़ा सा लाइट ब्राउन, उसके नीचे थोड़ा डार्क ब्राउन एंड यहाँ पे
मैंने कर लिया। अब बारी आती है कट क्रीज की, तो अब हम पहले क्रीज बना लेते हैं। तो क्रीज के लिए आप किसी भी मतलब थोड़ा पतला सा ही थोड़ा फ्लैट इस तरीके का ब्रश ले सकते हैं, या फिर इससे भी छोटा, जिससे भी आप मतलब अच्छे से कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके का ब्रश ले सकते हैं। तो ये मैं हाफ कट करूंगी, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसे स्मार्ट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या फिर फिंगर की हेल्प से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इसको ब्लेंड करना होता है, आप देख सकते हैं मैंने ये ब्लेंड कर दिया। सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने बेस लगाया था उसे अच्छे से अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर दी। अब क्या करना है, हमें एक लेना है डार्क ब्राउन शेड एंड कुछ इस तरीके का जो एंगुलर ब्रश होता है, इस तरीके के ब्रश भी लेना है। एंड अब कर दूंगी मैं इसको ब्लेंड। चाहो तो आप इसी ब्रश से भी कर सकती हो, नहीं तो जो ये इस तरीके का ब्रश आता है इस तरीके से, हमें यहाँ पे लगाना है लाइनर। यहाँ पे मेरा जो लाइनर है वो लग चुका है एंड अब हम आप मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। अब आपके पास या तो इस तरीके के जो मैंने आपको ग्लिटर दिखाया था उस तरीके का कोई ग्लिटर हो, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, या फिर लूज जो मतलब लूज ग्लिटर होते हैं वो हो, इस तरीके के कोई ग्लिटर हो तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये सिल्वर कलर का। यहाँ पे हमने क्रीज बनाई थी ना, हम वहाँ पे इसको लगा देंगे कुछ इस तरीके से। लग
चुका है, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और एकदम यूनिक सा लुक दे रहा है। तो अभी हम सबसे पहले ये टेप को रिमूव करते हैं एंड ठीक है। एंड अब हम इसी लाइनर को ब्रश पे लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ओके तो आप लोग देख पा रहे हैं ना कितना ही मतलब ब्यूटीफुल सा एकदम, ना कोई कलर्स मतलब ज़्यादा हमने बहुत सारे बेस्ट तरीके के कलर यूज़ नहीं किया है, कितना ही यूनिक सा जो हमारा आई मेकअप है वो लग रहा है। जो ओवरऑल फेस मेकअप होगा ना तो ये और ब्यूटीफुल लगेगा। चलिए फेस मेकअप कर लेते हैं। ओके तो यहाँ हमने जो स्किन केयर थी कर ली थी एंड अब हम यूज़ करेंगे हम प्राइमर। प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं क्लैनोट का SD माइक्रो प्राइमर। तो यहाँ जो मेरा प्राइमर है वो अच्छे से मैंने सेट कर लिया है एंड अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन जो है एमए आर्टिस्टिक का फाउंडेशन। यहाँ पे हम कोई करेक्टर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टच वुड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फेस पे एंड विंटर्स में जितनी कम लेयर्स हम लगाएंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं ये फाउंडेशन ले रही हूँ एंड अब इसको मैं पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। यहाँ पे मेरा जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से बैठ। अब इसे कर लेते हैं थोड़ा सा पाउडर सेट, बहुत ही हल्का सा करेंगे कि जो मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीमली ड्राई है तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा इसको पाउडर सेट करेंगे ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मुझे बहुत ही सिंपल सी मतलब बहुत लाइट मतलब लाइट सी कंट्रोलिंग रखनी है इसलिए मैं ये ले रही हूँ। अगर आपको मतलब ज़्यादा कंट्रोलिंग करनी पसंद है तो आप एक कंट्रोलिंग भी ले सकते हैं। कंट्रोलिंग हो गई है एंड अब हम करेंगे हाईलाइट। तो हाईलाइट के लिए अगेन मैं वही कंसीलर ले रही हूँ एंड इसको अपने हाईलाइटेड एरिया पर
हाइलाइटिंग हो गई है, वो अच्छे से ब्लेंड भी हो गई है। एंड अब लगाते हैं ब्लशर। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सारी जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट उनकी सारी डिटेल मैं लिंक में दे दूँगी। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा मेकअप लुक अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, फैमिली मेम्बर के साथ, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है एंड जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हाइलाइटिंग हो गई है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा रह गया है लिप कलर। एंड अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा अंडरआई वर्क जो हमारा रह गया था। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये सिल्वर कलर का काजल। तो अब अप्लाई कर लेते हैं लिप कलर। कमेंट करें, शेयर करें एंड अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो भी चीज़ें पसंद आई हो तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में लिखें कि आपको क्या अच्छा लगा, और जो नहीं पसंद आया हो उसके बारे में लिखें जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। होप, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्यार भी बढ़ता जाएगा। तो अब मिलेंगे हम नए साल में, सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ओके गाइस, तो बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। All right.